नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका स्वागत है। हर महिला के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बेहद जरूरी है और इसी कोशिश में हम अपना एक खास कार्यक्रम सिर्फ महिलाओं के लिए लेकर आए हैं, जहां हमारे एक्सपर्ट्स आपको निवेश करने का सही तरीका बताते हैं, आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स कैसी हैं, इस पर भी एडवाइस देते हैं। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं पीपीएफएस के वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाय। जयंत जी, वेलकम टू द शो। हाय दीपाजी। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले इस शो में शामिल होने का तरीका आपको बता देते हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है जिस पर आप हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना चाहती हैं, तो एसएमएस या फिर ईमेल के जरिए आप शो के साथ जुड़ सकती हैं। एसएमएस करने के लिए शी लिखकर अपना सवाल आप लिखिए और उसको सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं shi@zeenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जरूर मेंशन करें। और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहली कॉलर केत की गुजरात से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है केत की आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। हेलो, सवाल पूछिए केत की। हाँ, मेरा इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपीज रिलायंस ग्रोथ फंड जी, और 1000 है मेरा वो HDFC गोल्ड में जी, 1000 है मेरा बिल्ला कोटक सॉरी बिरला सन लाइफ में जी, मिड कैप में जी, बिरला इक्विटी है मेरा है 1000 रुपीज जी, और HDFC टॉप 200 जी जी, टोटल 5000 रुपीज जी हर मंथ पर जी। और आपका होराइजन कितना है, कितने समय तक आप और इन्वेस्ट कर सकती हैं? मैं 15 साल और इन्वेस्ट करना चाहती हूँ जी। जयन जी, केतकी का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, 5 फंड इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं, बिरला सन लाइफ इक्विटी, बिरला सन लाइफ मिड कैप, HDFC टॉप 200, HDFC गोल्ड और रिलायंस ग्रोथ। पांचवें फंड से 1000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हैं, 15 ईयर्स का होराइजन है। आपसे जानना चाहती हैं ये पोर्टफोलियो कैसा है, क्या इस पोर्टफोलियो में किसी बदलाव की जरूरत है, साथ ही साथ 15 साल का इनका होराइजन है, तो कितना रिटर्न ये कमा सकती हैं अपने इस पोर्टफोलियो से? कहते कि आपके जो 5 फंड्स हैं उसमें से रिलायंस ग्रोथ और बिरला मिड कैप, ये दोनों का परफॉर्मेंस थोड़ा निराशाजनक है। लेकिन जब भी हम लोग कोई म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमको ये देखना है कि जो भी लार्ज कैप फंड्स हैं, दैट इज फंड्स विच इन्वेस्ट इन द लार्जर कंपनीज, उनका शेयर ज़्यादा होना चाहिए। अभी आपके पोर्टफोलियो में कोई भी लार्ज कैप फंड नहीं है, मोस्ट ऑफ योर फंड्स आर मिड कैप फंड्स, तो इससे क्या होगा कि जो पोर्टफोलियो का जो रिस्कीनेस है वो बढ़ता है जी। तो मेरी राय में आपको ये जो बिरला फंड्स है, 2 फंड्स बिरला सनलाइफ इक्विटी और बिरला मिड कैप, इन दोनों में SIP बंद करके बिरला म्यूचुअल फंड का ही और एक अच्छा स्कीम है बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, विच इज अ लार्ज टू मिड कैप फंड जिसमें लार्ज कैप स्टॉक्स ज्यादा हैं, तो उसमें आप स्विच कर सकते हो। रिलायंस ग्रोथ का परफॉर्मेंस लास्ट 2-3 साल से काफी खराब है, तो आई सजेस्ट यू स्टॉप दैट एंड स्विच टू अनदर गुड प्योर लार्ज कैप फंड नोन एज फ्रैंकलिन ब्लू चिप जी। तो आपका पोर्टफोलियो ऐसा हो सकता है 2000 रुपया पर मंथ आप बिरला फ्रंटलाइन में कर सकते हो, HDFC टॉप 200 और HDFC गोल्ड आप कंटिन्यू कर सकते हो, और फ्रैंकलिन ब्लू चिप में नया SIP शुरू कर सकते हो 1000 रुपीज पर मंथ का जी। अगर हम लोग अराउंड 10% पर एनम का एवरेज रिटर्न कमाए ये पोर्टफोलियो पे, तो आपको अराउंड 21 लाख आप एक्यूमुलेट कर सकते हो जी। बिल्कुल, यानी केत के जो आपका पोर्टफोलियो है यहाँ पर बैलेंस नहीं है, यहाँ पर कुछ चेंजेस जैन जी ने सजेस्ट किए हैं, ज्यादा एक्सपोजर आपका मिड कैप फंड्स की ओर है, तो यहाँ पर सजेशन जैन जी ने आपको दिए हैं कि जो 2 फंड बिरला सनलाइफ के आपके पास है मिड कैप और बिरला सनलाइफ इक्विटी, इनसे आप दोनों ही फंड से आप कोई एक फंड आप चुन सकते हैं, बिरला का ही फ्रंटलाइन इक्विटी एक ऑप्ट कर सकते हैं, वहीं रिलायंस ग्रोथ की जगह फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप आप शामिल कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। नया पोर्टफोलियो आपका कैसा होना चाहिए जैन जी ने आपको बताया, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर स्वप्नल पुणे से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है स्वप्नल आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सवाल, मेरा बेटा 6 साल का लड़का है जी, तो इसलिए मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का है जी, और मैंने अभी तक जीवन सरल LIC पॉलिसी में इन्वेस्ट किया है 25,000 ईयरली है प्रीमियम उसका जी, तो मैं गोल्ड ETF और म्यूचुअल फंड का थोड़ा आप
ये करते तो अच्छा होगा। जी बिल्कुल, जान लेते हैं जैन जी से। जैन जी, दो क्वेश्चंस हैं इनके। अपने बेटे के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, एक ऑलरेडी इनके पास पॉलिसी LIC जीवन सरल की, जानना चाहती है वो पॉलिसी कैसी है। दूसरा सवाल इनका है, म्यूचुअल फंड्स में अभी एक्सपोजर लेना चाह रही हैं, गोल्ड ETF जैसे इन्होंने मेंशन किया, गोल्ड ETF भी लेने का प्लान कर रही है, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स, आपके एडवाइस चाहती है किस तरह से पोर्टफोलियो इनको डिजाइन करना चाहिए, कौन से फंड्स इनके लिए बेहतर हो सकते हैं। जिस तरह की इन्होंने बताया कि अपने बेटे के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रही है तो जाहिर है लॉन्ग टर्म ही इनका होराइजन होगा, क्या सलाह होगी, पहले LIC जीवन सरल पर, दूसरा कौन से फंड्स इनको ऑप्ट करने चाहिए? LIC जीवन सरल जो है वो एक एंडोमेंट और यूलिप प्लान का कॉम्बिनेशन है। कोई भी LIC पॉलिसी हम लोग ऐसे रेकमेंड नहीं करते हैं बिकॉज दे आर मोस्टली इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज, लेकिन विद इन दोज पॉलिसीज आई लाइक जीवन सरल क्योंकि इसमें आपको काफी बड़ा लाइफ कवर मिलता है। आप कह रहे हो कि आप 25,000 पर ईयर निवेश कर रहे हो इसमें, सो आई थिंक यू विल गेट लाइफ कवर ऑफ अराउंड 20 टाइम्स दैट, इट इज 5 लाख। नाउ 5 लाख नॉट अ वेरी बिग फिगर बट इट इज बेटर एंड मेनी अदर इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। अभी आप अगर ये पॉलिसी बीच में आप बंद करेंगे तो मेरी राय में आपको नुकसान नहीं होगा क्योंकि इसका जो टर्म्स है इट सेज दैट इफ यू पे योर प्रीमियम फॉर 3 ईयर्स एंड देन यू स्टॉप इट देन योर फर्स्ट ईयर का प्रीमियम से आपको कुछ मिलेगा नहीं, और जो बाकी 2 साल का प्रीमियम है उसमें से भी आपको केवल 30% वापस मिलेगा जी। तो जो जीवन सरल है वो आपको कंटिन्यू करना चाहिए एंड दिस विल फिल इन विद योर डेट कंपोनेंट क्योंकि इसमें कोई इक्विटी में ये निवेश नहीं करता है जी। आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है फॉर योर सन, फॉर दैट यू आर राइटली चोजन म्यूचुअल फंड्स। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में नए हो तो पहले आपको एक KYC नंबर लेना पड़ेगा विच यू कैन गेट फ्रॉम अ वेबसाइट कॉल्ड CAMSOnline.com। तो वहां से आप फॉर्म डाउनलोड कीजिए और वो भर के आप कोई भी CAMS के ऑफिस में आप सबमिट करके आपको 8-10 दिन में ये नंबर मिलेगा और इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। तो ये नंबर मिलने के बाद आप जो भी म्यूचुअल फंड चाहिए आप वहां जाके ये KYC और आपका पैन नंबर ये दोनों चाहिए उसके लिए, यू कैन गो एंड चूज द स्कीम। यू कैन आइदर गो थ्रू एन एजेंट और डू इट ऑनलाइन थ्रू द म्यूचुअल फंड वेबसाइट और थ्रू सम अदर पोर्टल्स नोन एज फंड सुपरमार्ट और फंड्स इंडिया। जो फंड नेम्स आप जो पूछा है, आई फील दैट टू बिगिन विद इट्स बेस्ट टू स्टार्ट विद लार्ज कैप फंड। तो दो अच्छे जो लार्ज कैप फंड है वो है फ्रैंकलिन ब्लू चिप और HDFC सेंसेक्स प्लस। तो आप चाहे तो दोनों फंड्स में आधा आधा अमाउंट निवेश कर सकते हो, नहीं तो इन दोनों में से कोई एक भी आप निवेश करके यू सी हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क एंड देन जैसे यू नो विद एज टाइम पासेज यू कैन इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फंड्स। वहीं जैन जी, गोल्ड ETF में भी प्लान कर रही हैं इन्वेस्टमेंट, कौन सा ETF लेना सही रहेगा इनके लिए? नहीं, मुझे लगता है कि अगर आपका बहुत लॉन्ग टर्म लक्ष्य है तो गोल्ड ETF डज नॉट फिट इन टू दिस, लेकिन अगर आपको निवेश करना ही है तो गोल्डमैन सैक्स का गोल्ड बीज ये एक अच्छा ETF है, नहीं तो रिलायंस का गोल्ड ETF, इन दोनों में से कोई एक आप चुन सकते हो। जी बिल्कुल, यानी आपके लिए सलाह यही है स्वप्नल, LIC जीवन सरल की अगर बात करें तो काफी अच्छी पॉलिसी इसमें इन्वेस्टेड आप रहिए, डेट कैटेगरी की तरह इसको आप रख सकती है, पुट ऑन कर सकती है। वहीं बात करें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म होराइजन अपने बेटे के लिए आप इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं तो आप लार्ज कैप फंड से शुरुआत कर सकती हैं। दो फंड यहां पर जैन जी ने आपको सजेस्ट किए, HDFC सेंसेक्स प्लस है, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप है, इन दोनों ही फंड में से कोई एक फंड ऑप्ट कर सकती हैं आप, या फिर दोनों ही फंड आप चुन सकती हैं अपनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। वहीं गोल्ड ETF की अगर बात करें, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है आपने तो दो ETF यहां पर सजेस्ट किए हैं जैन जी ने, गोल्डमैन सैक्स का गोल्ड बीज है या फिर रिलायंस गोल्ड ETF, इन दोनों गोल्ड ETF में से कोई एक ETF आप निवेश के लिए चुन सकती हैं। और इसी के साथ यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को अपने शो में शामिल करेंगे, आप देखते रहिए मनी मैटर्स। महिलाओं के लिए तैयार किए गए इस खास शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। हाउसवाइफ हो या वर्किंग वीमेन, सभी हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना ले सकती हैं। तो अगर आपके पास भी है कोई सवाल और लेना चाहते हैं मेरे एक्सपर्ट्स की राय तो SMS या फिर ईमेल कर सकती हैं। SMS करने के लिए शी लिखकर अपना सवाल आप लिखिए और उसको सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकती हैं shi@znetwork.com पर। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर नंदिनी गुप्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है नंदिनी आपका मनी मैटर्स में, क्या है आपका सवाल पूछिए। मैडम, मैं नंदिनी गुप्ता बोल रही हूँ कोलकाता से जी।
मैं जानना था दीदी, मैं 2000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकती हूँ पर मंथ जी टिल 5 ईयर्स तक, तो उसका मुझे किस किस म्यूचुअल फंड में मुझे जाना चाहिए जी, और मुझे क्या मतलब उसका रिटर्न मिलेगा, क्या बेनिफिट मैं पा सकती हूँ? जी बिल्कुल जयन जी, 5 साल का नन्ही का होराइजन है, 2000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर सकती हैं। स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं तो आपकी सलाह क्या होगी, 5 साल के नजरिए से कौन से फंड्स में इनको इन्वेस्ट करना चाहिए, साथ साथ रिटर्न्स भी जानना चाहती है, कितना रिटर्न ये कमा पाएंगी इस इन्वेस्टमेंट से? नंदिनी, क्योंकि आपका होराइजन 5 साल का है, मुझे लग रहा है कि आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अभी निवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपका होराइजन इतना भी कम नहीं है तो सिंस इट समवेयर इन द मिडिल, तो आई प्रेफर दैट यू इन्वेस्टेड बैलेंस्ड फंड्स। अगर आप म्यूचुअल फंड से थोड़ा परिचित हो तो आपको मालूम होगा कि बैलेंस्ड फंड्स में इक्विटी और डेट दोनों का एक मिश्रण होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है। यूजुअली द कॉम्बिनेशन इज अराउंड 65% इन इक्विटी एंड 35% इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये प्रोडक्ट सही है। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड से अगर आप ऑलरेडी परिचित हो तो शायद आपके पास KYC और PAN ये सब होगा, सो यू कैन इमीडिएटली बिगिन इन्वेस्टिंग। सो टू गुड बैलेंस फंड विच आई वुड रेकमेंड आर HDFC बैलेंस फंड और DSP बैलेंस फंड, क्योंकि आपका अमाउंट इतना बड़ा नहीं है, मुझे लग रहा है कि कोई एक बैलेंस फंड आपके लिए काफी है, इन दोनों में से एक कोई एक। जो बैलेंस फंड में रिटर्न मिलते हैं ना वो डेट और इक्विटी के बीच में कहीं होते हैं, तो आई एस्टिमेट यू शुड गेट अ रिटर्न ऑफ अराउंड 9-10% पर एनम फॉर दिस 5 ईयर पीरियड। लेकिन इसमें अनलाइक फिक्स डिपॉजिट्स रिटर्न विल नॉट बी लीनियर, सो आपके रिटर्न में थोड़ा वॉलिटिलिटी हो सकती है, लेकिन इतना नहीं जो इक्विटी फंड्स में है। जी बिल्कुल, यानी नंदिनी 5 साल के नजरिए से आप बैलेंस फंड ऑप्ट कर सकती है। दो फंड यहाँ पर इन्होंने सजेस्ट किए, HDFC बैलेंस है, DSPBR बैलेंस है, कोई एक फंड दोनों फंड में से आप ऑप्ट कर सकती हो। बात करें रिटर्न्स की तो एनुअल रिटर्न करीब 9-10% का आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं इस तरह के म्यूचुअल फंड से। और आगे बढ़ते हैं जयंत जी, अगला ईमेल हमारे पास स्वाति का पुणे से, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और ये आपसे जानना चाहती हैं कि फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट दोनों में ही क्या फर्क है और दोनों में से ही कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहेगा इनके लिए? स्वाति, एक्चुअली दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि द सेम बैंक ऑफर्स बोथ दीज ऑप्शंस, सो ओनली डिफरेंस इज कि रिकरिंग डिपॉजिट में एक बार आप यू नो यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन रिकरिंग डिपॉजिट, आपको हर महीना उसमें निवेश करना होगा। इट्स लाइक एन SIP इनटू अ फिक्स्ड डिपॉजिट। जी। ऑन द अदर एंड यूजुअल फिक्स्ड डिपॉजिट में अगर आपके पास कोई लमसम अमाउंट है जो आप एक टाइम ही निवेश कर सकते हो तो आप एक फिक्स्ड डिपॉजिट चुन सकते हो, और अगर आपके पास ऐसा है जो एवरी मंथ विच यू कैन इन्वेस्ट, यू कैन चूज अ रिकरिंग डिपॉजिट। लेकिन ये रिकरिंग डिपॉजिट चुनने से पहले आपको थोड़ा ये सावधानी रखनी होगी कि अगर आपने रिकरिंग डिपॉजिट बीच में अगर बंद किया तो आपको बैंक एक पेनल्टी चार्ज कर सकती है। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स दे आर सिमिलर, लाइक अ 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट में ऑफर यू अराउंड 9% एंड अ 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट में ऑफर यू अराउंड 9.25%, सो देर इज बेसिकली नॉट मच डिफरेंस इन द टू, सो यू हैव टू चूज बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टिंग फ्रीक्वेंसी। जी बिल्कुल, वहीं जैन जी काफी बार इस तरह की क्वेरीज हमारे शो में आती है, हालांकि कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सभी बैंक्स ऑलमोस्ट सिमिलर इंटरेस्ट रेट ही जो है ऑफर करते हैं, लेकिन अगर स्वाति चाहें आपसे कि कौन सा बैंक इनको ऑप्ट करना चाहिए FD या फिर RDA चुने, क्या कहेंगे? देखो, जो भी इंटरेस्ट रेट जो है, जो बैंक्स ज्यादा रिस्की है या लाइक कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर एग्जांपल, दे विल गिव यू बेटर रेट्स, तो आपको ये देखना है कि आपको आप कितना रिस्क झेल सकते हो। तो मेरी राय में हमेशा मैं नेशनलाइज बैंक ही रेकमेंड करता हूँ, सो एनी नेशनलाइज बैंक विल डू, एंड अदरवाइज सम ऑफ द बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स फॉर एग्जाम्पल ICICI, HDFC और एक्सिस, इन तीनों में से कोई एक आप चुन सकते हैं। जी बिल्कुल, चलिए उम्मीद है स्वाति आपको अपने सवाल का जवाब मिल पाया होगा। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर कविता जयपुर से हमारे साथ जुड़ गई है, स्वागत है कविता आपका मनी मैटर्स में, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैम, मैं 27 ईयर ओल्ड वुमन हूँ और मुझे 4 साल हो गए हैं जॉब में, मैं PPF के बारे में जानना चाहती हूँ, मैं अकाउंट ओपन करना चाहती हूँ, और इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे और मुझे कितना प्रॉफिट और किस तरीके से हो सकता है, मैं वो जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल,
जेएनजे कविता न्यू इन्वेस्टर है, न्यू एज इन्वेस्टर है इनफैक्ट, 27 इयर्स ओल्ड है, 4 साल इनको जॉब करते हुए हो चुके हैं। पीपीएफ में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, अकाउंट ओपन कराना चाहती हैं। आपसे जानना चाहती हैं अकाउंट खुलवाने का क्या तरीका है, पीपीएफ अकाउंट खुलवाने का, साथ ही साथ क्या कुछ बेनिफिट्स हैं पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के। कविता, पीपीएफ इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ डेट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक तो इसमें गवर्नमेंट गारंटी रहती है, सेकेंड इज कि जब भी आप निवेश करते हो तो आपको सेक्शन 80C के तहत जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उस पर बेनिफिट मिलता है। द लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख, विच इज ऑल्सो इक्वल टू द सेक्शन 80C बेनिफिट। तो आप चाहिए तो पूरा आपका 80C इससे एग्जॉस्ट कर सकते हो। ऑल्सो द इंटरेस्ट दैट यू गेट एंड द टोटल अमाउंट दैट यू गेट आफ्टर रिडेम्पशन, एवरीथिंग इज टैक्स फ्री। तो इसको ट्रिपल ई बेनिफिट, एग्जेम्प्ट, सो इट्स एग्जेम्प्ट एट ऑल लेवल्स। आप कोई भी नेशनलाइज बैंक में जाके आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो। ओनली थिंग यू टू टेक केयर इज दैट दिस इज अ 15-year प्रोडक्ट और आपको हर साल मिनिमम 500 रुपए का निवेश करना है, नहीं तो आपको पेनल्टी लगती है। तो अगर आप ये कर सकते हो तो मेरी राय है कि आप इमीडिएटली एक पीपीएफ अकाउंट अभी ओपन करके यू कैन गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट। जी बिल्कुल, यानी कविता बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है पीपीएफ, यहाँ पर टैक्स बेनिफिट तो मिलता ही, इनफैक्ट आप रिटर्न्स भी काफी अट्रैक्टिव हो गए, एनुअल रिटर्न करीब 8.8% का होगा, वो भी कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न इसमें मिलता है। साथ ही साथ किसी भी सरकारी बैंक को आप अप्रोच कर सकती हैं, वहां आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, इसके अलावा एजेंट की भी आप मदद ले सकती हैं अकाउंट खुलवाने के लिए। और इसी के साथ एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को अपने शो में शामिल करेंगे, आप देखते रहिए मनी मैटर्स। मनी मैटर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है, आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर विभा त्यागी वडोदरा से हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है विभा आपका मनी मैटर्स में, क्या है आपका सवाल पूछिए। मैम ये मैंने एक्चुअली आपकी लाइफ क्लासिक पेंशन प्लान लिया है जी, तो मुझे ये मालूम करना है कि ये हमें चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। कितना प्रीमियम आप पे कर रही हैं? ये 25,000 पर ईयर है जी। पूछ लेते हैं जेएनजी से, एचडीएफसी इमीडिएट एन्युइटी पेंशन प्लान इनके पास है, सालाना प्रीमियम करीब 25,000 का ये पे कर रही हैं। आपसे जानना चाहती हैं ये पेंशन प्लान कैसा है, क्या इन्वेस्टमेंट टिल मैच्योरिटी इनको कंटिन्यू करनी चाहिए? विभा, कोई भी पेंशन प्लान का ये एक एडवांटेज होता है कि जब भी कंपनी आपको ये बोलती है कि आपको हर महीना एक रकम मिलेगी तो वो रकम गारंटीड होती है, सो दैट इज एडवांटेज। लेकिन ये गारंटी देने के लिए कंपनी ऐसा अमाउंट यूजुअली बोलती है जो बहुत कम है, सो मोस्टली दिस अमाउंट विल नॉट बी इनफ फॉर यू, बट दिस प्रोडक्ट इटसेल्फ इज ओके, इट्स अ गुड वन। इसमें 4-5 अलग अलग ऑप्शन है, एक है एन्यूटी फॉर लाइफ, तो जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको मिलेगा। सेकेंड इज एन्यूटी फॉर अ फिक्स पीरियड, यूजली 15 ईयर्स, तो आज से 15 साल तक आपको हर महीना मिलते रहेगा और उसके बाद वो बंद होगा। अगर 15 साल के अंदर जो भी पॉलिसी होल्डर है उनकी मृत्यु होती है तो उनके नॉमिनीज को अमाउंट मिलते रहेगा। थर्ड इज कि जब भी आप इसमें निवेश करते हो तो एक रकम नोन एज कैपिटल वो एक्यूमुलेट होती रहती है, तो देर इज एन ऑप्शन नोन एज रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। तो जब भी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होती है तो जो भी नॉमिनी है उनको वो कैपिटल वापस मिलता है। तो ऐसे 3-4 ऑप्शन है, तो आपको सोच समझ कर ये ऑप्शन चुनने चाहिए। तो आई सजेस्ट यू चेक विद योर एजेंट एज टू व्हिच ऑप्शन इज द मोस्ट सूटेबल फॉर यू। जी बिल्कुल, चलिए उम्मीद है विभा आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला ईमेल है जेएनजी हमारे पास, सुषमा का अरुणाचल प्रदेश से, बिरला सन लाइफ का प्लेटिनम एडवांटेज पॉलिसी इनके पास है, इस पॉलिसी में एनुअल अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो करीब 1 लाख रुपए निवेश कर रही हैं, जानना चाहती हैं ये प्लान कैसा है, क्या मेच्योरिटी तक बने रहना ही सही रहेगा या फिर लॉक इन के बाद फुली पेड अप स्टेटस में कन्वर्ट कराएंगे। नहीं, ये प्लैटिनम एडवांटेज प्लान इज अ फिक्स टर्म प्लान, फॉर एग्जांपल इसका 10 इयर्स का प्लान है, यूलिप है ये, विच इज देयर फॉर 10 इयर्स, और इसमें 5 ईयर का प्रीमियम पेमेंट पीरियड होता है जी। इसमें दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वन इज नोन एज अ सेल्फ मैनेज्ड ऑप्शन, कंपनी 10 अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन निवेशक को देती है और उसमें से निवेशक चुनता है कि कौन सा ऑप्शन उनको चाहिए।
सेकेंड इज अ गारंटीड ऑप्शन. इसमें जो भी यूलिप का हाईएस्ट एनएवी होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 ईयर्स, दैट एनएवी इज गारंटीड टू द पॉलिसी होल्डर. तो इसमें क्या होता है, कोई इक्विटी में निवेश होता है लेकिन ओनली इन द फर्स्ट 2-3 ईयर्स, उसके बाद मोस्टली डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश होता है. एंड इसके लिए कंपनी एक गारंटी चार्ज भी लेती है विच इज अराउंड 0.25%. सो निवेशक को यह चुनना है कि उनको इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेहतर है. जी, सो आई थिंक दैट सिंस इट्स अ 10-ईयर पॉलिसी यू शुड चूज द सेल्फ मैनेज्ड ऑप्शन विद मोर इक्विटी इन द बिगिनिंग एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 6 ईयर्स एंड देन यू चेंज द ऑप्शन टू मोर डेट. सो दैट इज वॉट आई थिंक एंड स्टे इन्वेस्टेड फॉर द एंटायर 10-ईयर पीरियड. 5 साल तक का प्रीमियम भरो और उसके बाद पॉलिसी को बंद न करके 10 साल तक उसको चलते रहने दो. जी बिल्कुल, यानी सुषमा 10 इयर्स का इसमें फिक्स्ड टर्म है, पॉलिसी टर्म है. तो यहाँ पर सलाह यही है कि जो 5 इयर्स का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, आप टिल 5 इयर्स इसमें प्रीमियम पेमेंट अपना कंटिन्यू रखिए और उसको 10 इयर्स के फिक्स्ड पॉलिसी टर्म तक होल्ड कीजिए. और आज इतने ही कॉलर्स अपने शो में शामिल कर पाएंगे. शुक्रिया जैन जी सभी कॉलर्स के आंसर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. शुक्रिया शो के साथ जुड़ने के लिए. थैंक्स दीपक, थैंक यू. और इसी के साथ फिलहाल मनी मैटर्स में इतना ही. आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा. नमस्कार.